बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मदर व्लॉग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आई हुई हूँ स्केचर्स ब्रांड की शूज़ के जो है इनकी शॉप है बहुत बड़ी लालपुर गैलरिया में। जी व्यूअर्स, तो आपने यहाँ पे शॉप पे मौजूद जो है मुख्तलिफ वैरायटी ये देख ली है। अब मैं चलती हूँ, मैनेजर साहब से बात करती हूँ, वो आपको प्रॉपर ब्रीफ करेंगे कि उनके पास कौन कौन सी वैरायटी है और क्या क्या प्राइस है। ठीक है, इनमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, इनमें भी लाइफस्टाइल यूज़ होता है, ठीक है, और इनमें वॉक वाले भी आर्टिकल्स होते हैं और रन वाले भी होते हैं, इनकी स्पेसिफिकेशन भी बड़ो वाली होती है। उसके बाद ये हमारे पास लेडीज़ में है वॉक एंड रन की बॉल, ये परफॉर्मेंस की बॉल है। इनमें जनरेशन चलती हैं, ये गो वॉक 5 है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये गो वॉक 5 है, ये लेटेस्ट जनरेशन चल रही है। ये गो वॉक जो है ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं, ये अलग जनरेशन है। ये गो वॉक स्मार्ट है, ये स्मार्ट लुक में थोड़ा सा होता है, और इन सॉल जन सा इनको होता है वो गोगा मैट में है, ठीक है, ये वॉक की टेक्नोलॉजी है। और लेसेस में ये अल्ट्रा गो सोल के साथ रनिंग के लिए आर्टिकल यूज़ होता है, गो रन 600 और अल्ट्रा गो भी होता है, जिनका पाउंड चौड़ाई में वाइड में होता है, ये उनके लिए होता है ब्रूट शेप में। ये अल्ट्रा गो का सोल है, ये हाई वेटेड सोल होता है। उसके बाद ये स्केचर यू होता है, इसमें भी फ्लैट सोल होता है और ये एक्स्ट्रा कम्फर्टेबल होता है और ये स्ट्रेचेबल होता है। उसके बाद ये गो वॉक लाइट आ जाता है, ये आगे से कम होता है, ये गो वॉक लाइट, इसे जोए भी कहते हैं और लाइट भी कहते हैं। ये गो वॉक थॉट, ये ज़रा ग्लिटर में होता है, ठीक है, ये भी वॉकिंग के लिए आर्टिकल है। उसके बाद हमारे पास लाइफस्टाइल आ जाता है। अच्छा, ये जो आपने मुझे शूज़ दिखाए हैं, इनकी स्टार्टिंग जो प्राइस रेंज है वो कहाँ से शुरू होती है? इनकी इस वॉल में जो सी है 11,500 से स्टार्टिंग है इस वॉल में, ठीक है, और ये जाते हैं मैक्स 18,000 तक हमारे पास जो भी अवेलेबल है, ठीक है। ये लाइफस्टाइल की वॉल है, इनमें मेमोरी फॉर्म चलता है और इनमें जेल इन्फ्यूज चलता है, ये जेल इन्फ्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं, ये जेल इन्फ्यूज़ है, ठीक है, जैसे आप पुश करेंगे ये पाउंड की शेप लेता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये है कि एक्स्ट्रा कंफर्टेबल है, ठीक है, इसमें वेट आएगा या पाउंड की शेप लेगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसके ऊपर वेट आएगा, ये देख रही हैं आप, ये पाउंड की शेप लेगा, ठीक है, जेल इन्फ्यूज डिस्प्ले होता है। तो इनकी प्राइस रेंज क्या है? ये जो आए हैं ये 10,950 के हैं, ये वाले। ये लेडीज़ में भी है, जेंट्स में भी है? नो, ये लेडीज़ की बॉल है, ठीक है, ये लेडीज़ की बॉल, जस्ट लेडीज़ की है, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे सैंडल्स आते हैं, इनमें भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो स्मॉल वॉक वाले में होती है यूज़, ये गोगा मैट, इन सोल, फ्लैट सोल, बस ये अपर जो सा होता है इसका सैंडल्स का उन्होंने दिया होता है, ठीक है। ये अल्ट्रा गो है जेंट्स का, ठीक है, लेसिस में रनिंग के लिए, इसका सोल जो सा ना हैवी होता है, ये जो हाई वेटेड भी पर्सन होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है लेसिस में। और उसके बाद ये हमारा आता है गो रन मोजो, ठीक है, ये रनिंग का आर्टिकल है, इसकी ये ग्रिप होती है, ठीक है, रनिंग के दौरान ताकि आपका पाउंड बाहर ना निकले, ये चीज़। उसके बाद हमारे पास रनिंग में ये एक्स्ट्रा ब्रीथेबल है, एक्स्ट्रा ब्रीथेबल होता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो नज़र भी आ रहा है राइट साइड पर, ठीक है। इसका सोल भी गोवक मैक्स का है, ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते हैं जो गोवक मैक्स होता है। उसके बाद हमारे पास होता है पुशिंग बटन्स, अल्ट्रा गो पुशिंग बटन्स इसे कहा जाता है, आफ्टर रनिंग जब आप इसे यूज़ करते हैं तो ये देखें ये प्रेस होते हैं, जब इसके ऊपर वेट आएगा ये प्रेस होंगे, प्रेस होंगे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसका जो फॉर्म होता है आपको जब आपने इसको जब वेयर कर लेना है आपका फुट जो है फॉर्मिंग में ही रहना है, ठीक है, अप डाउन होगा जब आप रनिंग करेंगे, जब नीचे स्टोन आएंगे वो टच होंगे, ये पुश हो जाएंगे, आपके पाँव को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका ये पर्पस होता है। तो इसकी प्राइस रेंज क्या है? इसकी प्राइस रेंज 14,000 है। इसमें तीन कलर्स लगे हुए हैं हमारे पास, ये ग्रे, ये ब्लू और ये ब्लैक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गो फ्लैक्स, ये गो फ्लैक्स 2 की जनरेशन है, ठीक है, ये इसका सोल फ्लेक्सिबल होता है, ये देखें आप, ठीक है, इसको जैसे मर्जी आप फोल्ड कर लें। अच्छा, ये जो यहाँ पे कट लगे हुए हैं तो ये इनको क्रैक्स का डर नहीं होता? कोई इशू नहीं होता मैडम, ये इसका नाम ही इसलिए उन्होंने दिया है गो फ्लैक्स, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें पूरी है, ठीक है, ठीक है, ये जैसे आपका पाउंड जैसी शेप लेगा ये वैसे बढ़। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 14,600। इसमें ये ब्लू कलर भी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गो वॉक 5, वो जो हमारी लेडीज़ में बात हो रही थी कि इनकी ना सोल्स की जनरेशन चलती है, अपर्स की नहीं चलती, ठीक है, ये गो वॉक 5 का सोल है,
ठीक है, ये भी इसमें भी पुशिंग बटन होते हैं, इसे पिलर्स कहा जाता है। ठीक, गो वर्क पिलर्स, ठीक है। यानी इन जूतों का जो असली काम है वो इनके सोल में ही छुपा हुआ है। इनके सोल में ही है, अपर्स में भी होता है, अपर में सिर्फ शेप्स होती हैं। प्राइजेज जो सी होती हैं वो इनके सोल्स की ही होती हैं। और इसके बाद ये हमारा, ये भी गो वर्क मैक्स में है, ठीक है ना। इस सोल को कहते हैं गो वर्क मैक्स, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है, ये देखें आप, ठीक है। उसके बाद ये भी गो वर्क 5 की हैं सोल्स, लेकिन अपर चेंज आ जाते हैं अपने, इनके जनरेशन वही है गो वर्क 5 वाली, इनके अपर चेंज हो गए हैं। जैसे ये देखें, इस अपर्स के ये कलर हैं, इनमें डिफरेंट कलर्स हैं जी, इनमें डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक ये चीज़ है। उसके बाद गो वर्क 4, हमारे पास गो वर्क 4 में भी आर्टिकल हैं, ये ज़रा ओल्ड जनरेशन है, लेकिन इनके जो अपर्स हैं वो लेटेस्ट डिज़ाइन में आए हैं। और इनके इन सोल में गोगा मैट की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, और इनमें केमिकल्स ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो पाँव को ठंडा रखते हैं, पसीना वगैरह स्वेटिंग वगैरह नहीं होने देते, ठीक है। और ऊपर से इनके जिनसे अपर्स होते हैं वो ब्रीथेबल होते हैं, सही, जिनमें से हवा क्रॉस वगैरह होती है, आपके पाँव में पसीना आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। अच्छा, ये क्या ये वाले जूते जो हैं ये हम आम इस्तेमाल कर सकते हैं? आम कर सकते हैं आप, या सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही? नो, कैजुअल आप वेयर कर सकते हैं वो वाले। ये भी अल्ट्रा गो में है, जिनके हैवी वेटेड पर्सन होते हैं, आप ये देख सकती हैं कि ये स्लिम है, हाँ जी, और ये वाइड होगा, हाँ जी, ये वाइड, ये वाइड है, ठीक। थोड़ा सा ब्रॉड शेप में होता है, जिनके पाँव चौड़ाई में ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं, ये उनके लिए होता है। ज़्यादातर ये ओल्ड पर्सन के लिए चलता है ये वाला शूज़। और इसका सोल भी हैवी है, इसमें जितना मर्जी वेट आ जाए इसको कोई इशू नहीं है। इसमें भी वही टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ये देखें, ठीक है जी। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 15,000। और उसके बाद हमारे पास बैकलेस आ जाते हैं ओल्ड पर्सन के लिए, बस ये आर्टिकल्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो बैकलेस शूज़ हैं इनकी प्राइस क्या है? 15,200। इसके बाद ये बैकलेस में ये भी जनरेशन आती है, गोगो मैक्स की जनरेशन है। इन सोल इसका गोगा मैट है, और इसके ऊपर अपर जो सा मैश नेट है, ब्रीथेबल, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद लाइफ स्टाइल आ जाता है हमारा, लाइफ स्टाइल के हैं मेंस के, ठीक है। इसमें हमारे पास ये मार नेसन डिज़ाइनर है स्केचर का, जिसने ये शूज़ डिज़ाइन किया है। ये सेमी फॉर्मल मार नेसन डिज़ाइनर है स्केचर का, ये लॉस एंजलिस का है, ठीक है। और इसकी प्राइस है 26,000 इस शूज़, यानी 26,000 का जूता है, 26,000 का ये जूता है, ठीक है ना। इसमें कंफर्ट लेवल इतना है कि आप इसे जितना मर्जी पहने, 24 आवर्स पहन लें, आपको फील नहीं होगा कि आपने कोई शूज़ पहना है पाँव में। और ये बहुत लाइट वेट होते हैं, ये सेमी फॉर्मल ही है, ये भी मार नेसन ने डिज़ाइन किया है लॉस एंजलिस, ये भी ब्रेथेबल होते हैं। इसकी प्राइस है 20,800, यानी 20,800 रुपये, 20,800 के हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लेदर में बहुत कम वैरायटी आती है, लेकिन बस एक दो आर्टिकल्स ये पड़े हुए हैं जो इस टाइम अवेलेबल हैं। अच्छा, कहते हैं अब तो लेदर का जूता असली मिलता ही नहीं है जी। नो, ये ओरिजिनल लेदर है, 100% ओरिजिनल लेदर है, और इसकी प्राइस है 20,500। ये कहाँ का बना हुआ है? ये भी ये मेमोरी फोम, ये स्केचर का है, ये डिज़ाइनर ने बनाया, ये मार मशीन का नहीं है। इसकी क्या खूबी है? इसकी खूबी ये है कि जो लेदर में चाहते हैं उनके लिए, इन सोल्स में ये देखें गोगा मैट की आर्च। अच्छा, सोल इनका वो है इन, जी मैम, और अपर जो है वो लेदर का बना है, वो अपर लेदर का, सेम स्पेसिफिकेशन वो ही है। यानी आपको 2-in-1 सहूलत है कि आप लेदर का जूता आपको नज़र भी आ रहा है, लेकिन उसका सोल जो है वो आपको आराम वही पहुँचा रहा है, कम्फर्टेबल भी है। ये स्केच स्ट्रीट, मतलब ये किसी इवेंट में यूज़ करने वाले आर्टिकल, ठीक है। और इसकी क्या प्राइस है? इनकी प्राइस है 17,000। 17,000 रुपये जी, 17,000 की प्राइस है। इसके भी लेदर का अपर है, ठीक है, और इंसोल इसका मेमोरी फॉर्म है, ये जेल इन्फ्यूज वाला है, जिसके मैंने आपको बताया था, ये पाँव की शेप लेता है, ये देखिए, ठीक है। ये आप जैसे इसके ऊपर फिंगर रखेंगे ये पुश हो जाएगा, ठीक है। स्लीपर्स में वैरायटी आ जाती है, ये हमारा स्लीपर है रिलैक्स फिट मेमोरी फॉर्म में, 360 में है, ये 360 मेमोरी फॉर्म है, ये देखिए आप जैसे इसे प्रेस करेंगी जी, ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत सॉफ्ट है। इसकी प्राइस क्या है? मेमोरी फॉर्म में ये 10,390 का, ये स्लीपर। अच्छा, ये स्लीपर जो है ये चल कितना जाता होगा? असल में जूतों की ज़्यादा चीज़ें यहाँ से ये ख़राब हो जाती हैं, ये टूट जाती हैं। इसकी सोल में है ये फिक्स, इसके सोल में फिक्स है, ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। इसकी हम वारंटी भी देते हैं 45 डेज की, कि सोल वगैरह ब्रेक हो जाए तो उसका हम क्लेम लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी स्केचर के जो अपने कस्टमर्स हैं उनको इस चीज़ का पता है कि ये स्केचर कभी ख़राब नहीं होता। हमारे पास ये स्लाइड्स हैं। इसकी क्या प्राइस है? इसकी प्राइस है 8,500।
ये तो स्लिपरी नहीं होते ये वाले जो है नीचे से? ग्रिप रेजिस्टेंट होते हैं ये। ठीक है, स्केचर्स की हैं और इनमें कैटेगरीज होती हैं, वर्क की होती है, स्केच स्पोर्ट की होती है और लो कट में भी होती हैं, सुपर सॉफ्ट की भी आर्टिकल होते हैं। मैं आपको बताता हूँ सुपर सॉफ्ट क्या है। ये आप देख सकती हैं कि ये प्लेन में है सुपर सॉफ्ट और ये प्लिस्टर में एक्स्ट्रा सॉफ्ट है। ठीक है, ठीक है। और इनकी स्केचर ने एक जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ की है इसमें कि ये ब्रीथेबल आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारी फिंगर्स भी नज़र आ रही हैं। ये इसलिए दिया गया कि ताकि एयर आती रहे। ठीक है, एयर ये क्रॉस कर सके। ठीक है, उसके बाद ये जितनी भी हमारी सॉक्स हैं, अगर कॉटन सॉक्स भी है उसमें भी ये देखें, इसमें कुशनिंग है, ये कुशनिंग है इसके नीचे। ठीक है, ये कुशनिंग है ताकि स्वेटिंग वगैरह होती है ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, और ये ऊपर से ब्रीथेबल है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ब्रीथेबल। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सेल वाली सॉक्स हैं वो कौन सी हैं हमारे पास? सुपर सॉफ्ट भी बहुत सेल होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लो कट बहुत वर्क बहुत सेल होता है। ठीक है, लो कट भी हमारे पास बहुत सेल होता है। लो कट में आपको दिखाता हूँ, ये लो कट है, ये भी बहुत सेल होता है। ठीक है, ठीक। अच्छा, मुझे लगता है ये जुराबें तो बहुत मोटी मोटी हैं, तो इनको पहन के तो फिर बड़ा पसीना आता होगा। मैडम, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये बेसिकली ब्रीथेबल होती हैं। इन सॉक्स में भी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ये जो कुशनिंग है ये स्वेटिंग ऑब्जर्व करने के लिए, पसीना को पकड़ने के लिए, यानी जैसे वो टॉवल का स्टफ होता है तकरीबन उस तरह का। जी, वैसे ये स्वेटिंग ऑब्जर्व करता है ये इन सॉक्स, क्योंकि ये हमारी एडी में आती है ये चीज़ नीचे। और इनका इनकी प्राइस रेंज कितनी होती है? इसकी प्राइस रेंज जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी है 2295। और इसमें इस बैग में कितनी होती हैं? 3 पेयर हैं जी व्यूअर, इसमें 3 पेयर्स हैं, यानी 3 अदद जुराबों के जोड़े हैं जो 2000 रुपये में मिलते हैं। और ये जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे ख़रीदते हैं जी, उनके लिए तो उनको ये ज़्यादा चीज़ें उनको आइडिया है। अच्छा, ये भी स्केचर्स स्पोर्ट्स पर लिखा भी है जी, स्केचर्स वर्क लिखा हुआ है, स्केचर्स स्पोर्ट लिखा हुआ है, ये स्केचर्स सुपर सॉफ्ट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये सुपर सॉफ्ट है। ठीक है, ये भी स्केचर्स स्पोर्ट्स का आर्टिकल है जी व्यूअर। इनके पास ये स्केचर्स की सॉक्स की मुकम्मल वैरायटी मौजूद है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मुकम्मल वैरायटी इनके पास मौजूद है जी व्यूअर्स। तो आपको आज का ये मेरा स्केचर्स की शॉप का विज़िट कैसा लगा? अगर आपने स्पोर्ट्स से मुतलक जो शूज़ हैं सॉक्स ख़रीदनी है तो ये लालपुर गैलरिया में स्केचर्स की शॉप है, यहाँ का विज़िट करें और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे शूज़ और सॉक्स मिलेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा होता है, शॉपिंग करने में कोई आसानी होती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताया करें और मुझे गाइड किया करें कि मैं और किस शॉप की जो है वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो मेरे चैनल मदर व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।